बिल नंबर 59। क्या है ये? एमसी से मैला और रेस्टोरेंट खंपरिया साहब आना कब आएंगे? क्या हट हो गए। लास्ट टाइम सर, इसमें हमने कुछ डिले था, तो डिले के जजमेंट के लिए हमने टाइम लिया था। हालांकि फिलहाल एक जजमेंट मिला है, मायलॉर्ड डेथ ऑनरेबल कोर्ट का आपका ही है आदेश है। नहीं वो ठीक है, लेकिन ये जो चल रहा है सब गलत चल रहा है। सर ये क्या हुआ एक्चुअली में कि 2018 में बल्क की मात्रा में कम से कम 50 केस आए थे। चूंकि हमने उनको सूचना भेजी थी तो वो बोल रहे थे कि एक्स्ट्रा पेमेंट करें, तो ये कोई सभी केसों ये में क्या केसेस हुआ ऐसे केस नहीं है कि उनका साहब लैंड एक्विजिशन के केसेस में पता ही नहीं चल नहीं रहा किसको इसमें क्या सर, करना एक्चुअली है। फीस एक साल बाद आई है सर, कोविड लग गया तो इसलिए वो सर नॉन कम्प्लायंस में सेम नेचर के केस सब डिसमिस हो गए सारे, कम से कम 25 से 30 केस, जिसमें से कुछ अलाउ भी हुए हैं। तो हमारा निवेदन था, मालोट ने भी अलाउ किया है, तो सब 9/4/2018 की ही ऑर्डर है जो नॉन कम्प्लायंस ऑर्डर है कोर्ट के, जिसमें डिफॉल्ट के कारण खारिज हुई है पिटीशन। भाई ये जो खारिजा होता है उस गरीब आदमी के अज्ञानता की वजह से नहीं होता, जी ये ज्ञानियों की ज्ञानपूर्ण तरीके से मैटर को चलाते हुए ही खारिजा होता है। जी जी ये एक बार मुकदमा डाल दिया, उनके बाद रोज उसको बोल रहे हैं अब ये पैसे दे जा, अब ये कर जा, उसके बाद तेरा ये हमने तो करेंगे। सूचना उनको भेजी थी, और लेकिन जब पेमेंट ऐसा भाई क्या होता है कि पहले तो कहते हैं हम एक पैसा नहीं लेंगे, पहले तो कहते हैं हम कंपन इतना परसेंट हमारा होगा उस पर हम एक पैसा नहीं लेंगे, फिर बाद में बोलते हैं खर्चे के पैसे तो दे दो। जब आपने गारंटी ली है पैसा बढ़वाने की और उसके अंदर से कमीशन लेने की, तो पूरा पैसा इन्वेस्टमेंट आप भी करिए, सर, कोर्ट ये फीस लगाइए आप। हमारे पास पक्षकार नहीं, लोकल काउंसिल के माध्यम से लोकल है काउंसिल से केस क्यों लेते हैं अधूरे? सर, चूंकि बॉस लाओ लोकल काउंसिल को सबक मिलना चाहिए ना। लोकल काउंसिल का ये धंधा करने के लिए बैठा है या वकालत करने के लिए बैठा है? मुझे बताइए, क्लाइंट आता है उसका मुकदमा कोर्ट में लगाते हैं, लोकल काउंसिल को ये ठेकेदारी करता है क्या कि मुकदमा ले लिया आपको भेज दिया धीरे धीरे चल जाए मुकदमा? हाई कोर्ट फालतू है, मुकदमा बढ़ाती जा रही है अपने। कोई हाई कोर्ट की इज्जत बिज्जत है कि नहीं आप लोगों की नजर में बताओ? चाहे जब मुकदमा लगा दो, चाहे जब खारिज करा दो, चाहे जब जो है कुछ कर दो, कोई चिंता की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि कानून जो है लचीला होना चाहिए, सर, जज को लचीला रुख अपनाना चाहिए। हम क्लाइंट के प्रति कितने भी सख्त बने रहें, कोर्ट को क्लाइंट के प्रति सख्त नहीं रहना चाहिए, वकील के प्रति सख्त नहीं रहना चाहिए, लोकल काउंसिल के प्रति सख्त नहीं रहना चाहिए। आप कानून की धज्जियां उड़ाओ वहां तक तो ठीक है, कोर्ट को भी कानून की धज्जियां उड़ाना चाहिए, ऐसा आप एक्सपेक्ट करते हो। अरे नहीं, वो हम आप कानून की धज्जियां ही तोड़ रही है इसमें कि 2018 में आप चिंता नहीं कर रहे, 6-6 बार केस लग रहा है, सर कॉमन कंडीशन ऑर्डर में लग रहा है, रजिस्ट्रार क्या लग रहा है, यहाँ लग रहा है, वहां लग रहा है, उन लगा कोई बात नहीं है, अपन सब कर लेंगे, एक रजिस्ट्रेशन लगाएंगे 25 रुपए में सब काम हो जाएगा। सर चूंकि सूचना मैंने समय समय पर दी, उसमें पेमेंट लेट आया, तो इस कारण वो सारे केस सर ऐसा हो गया है। मुकदमा जो है आपके पास, मैं ये नहीं कह रहा मुकदमा लोकल काउंसिल से आता है उसको मत लो, मुकदमा लो जब पूरा हो जाए तब पेश कर दो, अधूरा मुकदमा पेश करना सर मेरे हिसाब से उधर भी तो डिले बचाना पड़ेगा सर, नो कानून नो से बाहर, नहीं ऐसा नहीं है। लिमिटेशन से बाहर। नहीं क्या होता है, जैसे ही मुकदमा आपने डाला ना, सोई आपको जो है ऐसा लगता है आप कोई चिंता की बात नहीं है, सर वो उधर भी लिमिटेशन से बाहर हो जाएगा, इसी कुछ नहीं चक्कर होता में बाहर लिमिटेशन है। बाहर हो जाए। बताइए गरीब आदमी है, नहीं ला पाया पैसे, कोई भी कोर्ट 200-300 दिन का जो है डिले आराम से कंडोन कर देती है, जी ऐसे एमए वगैरह में हर केस में कर रहे हैं। सर, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ये ज्ञानी लोगों की वजह से जो है हम डिले कंट्रोल नहीं करेंगे। सर ये बताइए, डिसऑनरेबल कोर्ट का ये तो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से एक बार ऑर्डर करा लाओ। नहीं ये कोई ये तो हमारे मन में आया कभी कर दिया नहीं किया, लेकिन हमें सर, लगता है और कोई भी जजमेंट है लेकिन वो अभी मिल नहीं जजमेंट पाया, नहीं तो है। उसको नेक्स्ट वीक कर दें। सेम नेचर के सब 3 केस है, बहुत सारे नहीं केस मैं आई सर विल डिसमिस, खारिज हुए सर हमारे, कम से कम 20 से 25 केस 2018 में 9/4 इसमें में क्या खारिज है, हुए हैं, इसमें तो सर इसमें नेक्स्ट वीक कर ये दें, मैं और भी जजमेंट है। इसमें सारे केसेस में जानबूझकर ये काम किया गया है। नहीं सर, वो पेमेंट नहीं आने के पेमेंट कारण हुआ है आप पेमेंट नहीं आया था तो आपने जो है मुकदमा डाला क्यों? सर, उनने बोला कि हम भिजवा देंगे, आप जमा कर दो, हमने सूचना दी, लेकिन वो 2019-20 में मैं काम कर रहे थे, अभी पेमेंट आया तो लेट जमा देम कर। सफर, क्लाइंट को उनका ग्रेवान पकड़ने तो दो।
सर हमारा निवेदन सर, हाँ तो हो गया, देखो दो बार हो गया, माननीय ये मेयर का आदेश भी है सर उसमें। दिस कैन नॉट बी फॉलोड, दिस इज नॉट द लॉ, ये तो डिस्क्रिशन है, एक्सरसाइज कर लिया, कभी किया कभी नहीं किया, सर इसमें 1 वीक का टाइम देते हैं और भी जजमेंट सर मैं ये तो एक सोची समझी साजिश के तहत ये काम किया जा सर रहा एक नहीं सर बहुत सारे हैं, मैं है। बता हाँ रहा तो हूँ कुछ बहुत सारे में सोची समझी साजिश है, एक उन्होंने फैक्ट्री लगा रखी है, उन्होंने कहा जो यहाँ भेज देंगे खंपरिया जी के पास, खंपरिया जी है कोर्ट के अंदर डाल के चलाएंगे मुकदमा आराम से, खंपरिया जी बड़े वकील हैं, चाहे जो कुछ करा लेते हैं, ऐसी सोच के साथ उन्होंने भेज दिया। बोलो कब कल लगाऊं नेक्स्ट वीक क्या, का ना सर नहीं आप कह रहे थे ना टाइम। जजमेंट लेके आऊंगा, बताइए ना कौन से जजमेंट, आई विल डील ऑल सर दी ये जजमेंट, माननीय ये तो न्यायालय जजमेंट नहीं इसके है। अलावा भी और सर नेक्स्ट वीक कर दें, क्योंकि अब 2-3 दिन की आप छुट्टी। तो कोई भी जजमेंट ले आइए कि आप चार चार छह छह अवसर देने के बावजूद आप कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं करोगे, तो भी आपको जो है आपके साथ लीनियंसी बरती जाए, सर अधिवक्ता की गलती का पक्षकार को भुगतान न करना कानून पड़े, मेरा यही निवेदन है सर। 81 का था वो खत्म हो गया, 1981 सुप्रीम कोर्ट 1400 था, अधिवक्ता की गलती के लिए पक्षकार पक्षकार को को सजा नहीं देनी जी चाहिए, लेकिन इसके अंदर अधिवक्ता का इंटरेस्ट है, इसमें पक्षकार का कोई इंटरेस्ट नहीं, अधिवक्ता ने कहा चिंता मत करो मैं बढ़वा दूंगा ऊपर ले जाकर क्लेम, सर उसको भी तो लाभ मिलेगा अब सर इस। नीचे जो है 5% था लेकिन ऊपर वालों को 50% लगेगा, मैं बढ़वा दूंगा तू चिंता मत कर, ये नहीं चलेगा, चले नेक्स्ट वीक ट्यूसडे मंडे वो ट्यूसडे लगा, वेंसडे वेडनेसडे लगा दे सर छुट्टी लगा, पहले हाँ टॉप ऑफ द लिस्ट लगा। सर।